हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल इवोल्ड की एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अपने शार्कों को पकड़ के लेके आए थे, एंड आज की वीडियो में अपन एक वाटर का डाइनो टेम करेंगे, बेलिसोसोरस। क्योंकि जैसा आप लोग कमेंट्स में बता रहे थे कि जो बेलिसोसोरस होता है उसको शोक नहीं लगता, तो अपन उसको पकड़ेंगे आज की वीडियो में। एंड पहले मैं इसका थोड़ा सा स्टेट लगा दूँ हरित में, क्योंकि शार्कों के ऊपर ही बैठ के जाएंगे अपन, क्योंकि पानी में मूवमेंट स्पीड बहुत अच्छी है शार्कों की। एंड सेकेंडली अपन इसके ऊपर ये बैठ के हार्पून का यूज़ कर सकते हैं इसीलिए। एंड मेंटा वगैरह होता है बेलिसोसोरस के आसपास, मेंटा होता है, तो उससे बचने के लिए अपना शार्कों काम आएगा। एंड पहले तो मैं काम करता हूँ, स्कूबा सेट पहन लेता हूँ, क्योंकि अंदर पानी में जाएंगे तो अपने को स्कूबा सेट पहनना पड़ेगा। फ्लिपर्स की तो आई थिंक नीड नहीं है, बट फिर भी इमरजेंसी के लिए पहन लेते हैं, क्या अब तो अपने को पहनने पड़ जाए, फ्लिपर्स उतरना पड़ जाए एक बार के लिए इससे। तो अभी देखते हैं एक बार पानी में। इधर देखा था मैंने एक बेलिसोसोरस को जब अपन इधर मैगलाडोन को ढूंढ रहे थे, वो वह उधर आई थिंक वही है बेलिसोसोरस। एक बार देख लेते हैं, यप वही है, लेवल 2 का है, बट अभी के ये ठीक है, लेवल 2 का ही पकड़े जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो इसको देखते हैं मार के। अरे मैगाडोन गई, ओवर पावर्ड अपना सार्को, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, इसीलिए मैं शार्कों के ऊपर आया था। वरना अपने को इसको नॉर्मली मैनुअली मारना पड़ता मैगाडोन को, बट अब अपना शार्को मार देगा इसको। एंड इसकी हेल्थ मैंने 5000 की कर दी, अभी कर रहा हूँ मैं इसकी हेल्थ अभी। वैसे क्योंकि एक तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को शार्कों की ये लगी, एकदम सीधा घूम जाता जैसे है ना, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे है, ऐसे करूँगा तो सीधा इधर घूम जाएगा कंप्लीट एक ही दम में। जैसे बाकी डाइनो घूमने में टाइम लगाते, ये टाइम नहीं लगाता घूमने में, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को इसकी, इंस्टेंटली घूम जाता है ये सीधा। एंड अभी इसके आसपास कोई नहीं है, यही अपना मौका है। पहले मेरे को थोड़ा सा जाना, ये आ गई, इनको मारना पड़ेगा मेरे को। एक काम करता हूँ मैं, इनको थोड़ा सा दूर जाके मारता हूँ। एंड सेकेंड ये इसके ऊपर बैठ के अपन खाना भी खा सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ इसके ऊपर बैठ के अपन खाना तक खा सकते हैं, ये नहीं चाहिए अपने को। क्योंकि पानी में आके देखो अब तो ये भी इलेक्ट्रिक वाला है, इनसे भी अपने को दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा इनको। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार वापस ऊपर रख देता हूँ पानी में, एंड इनको मैन्युअली जाके क्रॉसबो से देखता हूँ, ट्राई करता हूँ मारने का, क्योंकि ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं वो अपने इसको शार्कों को। एंड मैन्युअली देखते हैं इनको मारने का, अगर मार सके तो अपन। क्योंकि बहुत है ये पानी में, एक दो तीन चार चार घूम रहे हैं ये, देखते हैं। जो इनको एक काम करते हैं, डोज करने का ट्राई करते हैं, अब क्या ही करें। क्योंकि इसलिए मैं एक ऐसा डाइनो पकड़ना चाहता हूँ जिसके ऊपर शोक वगैरह का कोई असर ना हो, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है जब ये शोक देते हैं। एक तो अपना जो डाइनो होता है वो स्लो हो जाता है, और कुछ डाइनो तो बिल्कुल ही रुक जाते हैं, डैमेज तक नहीं देते। देखते हैं चलो वापस जाके, हाइट कितनी है, हाइट 3 को कर देता हूँ मैं इसकी थोड़ी सी, क्योंकि मीट तो आ ही गया अपने पे, फिश मीट। एंड जब से मैंने इधर ये गीगा को खड़ा किया ना, एकदम परफेक्ट हो गया है इधर अपने बेस पे, कोई भी नहीं आता एक्स्ट्रा डाइनो। एंड अपने जिधर भी मैं डाइनो को खड़ा करता हूँ उधर भी मिलते हैं मेरे को खड़े हुए डाइनो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। एट हंड्रेड हो जाए फिर जो जीते हैं, बढ़ रही है हेल्थ।
मेजर डैमेज ठीक है इसका भी, मेरे को मैं मेन इसकी हेल्थ ही बढ़ानी पड़ेगी। हो गई 800 की, अभी चलते हैं। उस साइड नहीं जाएंगे अपन, थोड़ा सा ये वह सामने बैजी सो सो बस। मिस हो गया एक, ये बैजी से सोवेस ही है ना कहीं, किसी गलत को तो टेम नहीं कर रहे ना अपन? नहीं ये बैजी से सोवेस नहीं है। मैं भी सोचूं इतना अकेला कैसे घूम रहा है, इसके साइड में तो मेंटा होते हैं, बैजी से सोवेस के साइड में तो। ये है बैजी से सोवेस अपना, एंड आई थिंक इसके ये मेरे को पहले जो ये मेंटा है इनको मारना पड़ेगा क्या? अब ट्राई ये के देखते हैं। लेट्स सी, ये सीधा सीधा ही चलता जब अपन हाथ में उठा लेते हैं तो कुछ, तो मेरे को थोड़ा सा। अरे ये पीछे फिर से आ गए क्या, इनसे कैसे बचूं मैं? इनका कुछ देखना पड़ेगा मेरे को, या तो मेरे को इसको मारना पड़ेगा क्योंकि ये यही ऑप्शन है फिर। एक को तो निपटाया, इसको डालो एंड इसको मारो। इन सभी को भेजते हैं अभी अपन, जितने भी मेंटा है सभी को भेजना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लगा ही था इन सबको अपन को मारना पड़ेगा। क्योंकि ये सभी एग्रो होंगे अपने ऊपर, मेरे को लगा ही था ये चीज़ तो। वेट काफ़ी हो गया, काफ़ी एक्स्ट्रा वेट रिमूव कर देता हूँ मैं क्योंकि इसकी मूवमेंट स्पीड पे फ़र्क पड़ रहा है इससे। एंड हेल्थ आ गई है, ये हो गया। अब इसके आसपास कोई नहीं है, 2200 के आसपास। दो तीन चार, देखते कितने देखते हैं, पांच छः, छः हो गई है। सात, आठ, नौ, कम ना पड़ जाए मेरे को तो ऐसा लग रहा है। 10 हो गया अनकॉन्शियस, नाइस। एंड मैं पहले तो एक काम करता हूँ, ये कलेक्ट कर लेता हूँ, जिन जिनको अपन जो अपने टूटे नहीं है ना उनको अपन कलेक्ट कर सकते हैं वापिस, तो इसीलिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। एंड इसके लिए अभी मैं ये के आता हूँ, केबल केबल लेके आता हूँ मैं 2200 के लिए। देखना पड़ेगा मेरे को केबल है नहीं, है भी कि नहीं अपने पास। आई थिंक कि तीनों टाइप की केबल है अपने पे, हो जाएगा इजी पीजी टेम ये। ये वैक्स किधर से आ गया इधर, एक्सेप्शनल की बल लगती है अपने को उसके लिए।
नूबस्टर है, ख़त्म है वो वैक्स तो। एंड अभी मैं जाता हूँ, एक काम करते पहले मास्क निकाल दूँ एंड स्वीपर हटा दूँ। एक्सेप्शनल केबल लगती है अपने को बैजिसोसोरस को टेम करने के लिए, एंड आई थिंक अपने पे है एक्सेप्शनल केबल, तो ज़्यादा तो नहीं होगी बट होगी इतनी तो काम चल जाए अपना। ये क्या स्कूबा पहनने के बाद ये घुस नहीं पा रहा अंदर, ये क्या है? अंदर क्यों नहीं जा पा रहे अपन? पता नहीं, एक्सेप्शनल केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केबल है ये, वही एक्सेप्शनल केबल हो जाएगा क्या? दो से काम आई थिंक तो हो जाना चाहिए, वैसे तो दो से काम, बाकी देखते हैं। चलो थोड़ा सा नाक को भी ये लेता हूँ मैं, जितना है सारा ही ले लेता हूँ एक बार के लिए तो। एंड कम ऑन भाई, लेट्स गो। उसको तो पेज दिया वैक्स को, तो पता है मेरे को लेवल कम लेवल का ही था वो, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। ज़्यादा लेवल का होता तो मैं उसको पकड़ता, बट कम लेवल का तो क्या ही पकड़ना उसको। एंड अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, कम ऑन डूड। अभी नीचे जाके उसको कीबल देता हूँ मैं, आई थिंक वही है उधर जो सामने वाला अनकॉन्शियस। वापिस जाग गया क्या ये? सीरियसली यार, मेरे को पहले ही जाना था क्या कीबल? जाग गया ये वापिस, एंड तो फिर से जाना पड़ेगा सामान। यार कोई नहीं, चलो चलते हैं अभी एक बार वापिस। यानी मेरे को इसका अनकॉन्शियस है बहुत जल्दी जाता है नीचे, तो मेरे को पहले ही साथ में रखनी चाहिए थी कीबल, एंड मेरे को याद नहीं रहा था कीबल को लेके आना। कोई नहीं चलो बना देते हैं। और पहले तो इनका निपटारा करने था मेरे को। अभी इनको मारने दो मेरे को, डेड ऑन को, ये हाइनाडोन्स को, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देते हैं। भाग जाओ इधर से, एंड मैं बनाता हूँ कितने हैं अपने पे। फिर ये टोटल चार आए हैं, तो आई थिंक इतनी तो बन जाएगी कि अपन उसको अनकॉन्शियस कर सके। देखता हूँ मैं, इतना तो बन ही जाएगा अपने पे कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। इसको डालता हूँ मैं, एंड क्राफ्ट ऑल। यानी बहुत जल्दी जाता है इसका अनकॉन्शियस लेवल, मेरे को पता नहीं था इतनी जल्दी जाता है इसका अनकॉन्शियस लेवल, वरना मैं साथ में ही रखता। मैं सोचा टाइम मिल जाएगा अपने को, जैसे मैगलाडोन के साथ टाइम मिल गया था अपने को थोड़ा सा, बट बहुत जल्दी जाता है अनकॉन्शियस है उसका नीचे, क्योंकि जस्ट अपने को 1 मिनट नहीं हुई है एंड वो वापिस अनकॉन्शियस से हट गया। जैसे गीगा का जाता था ना जल्दी नीचे, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। डाई, सागो की क्या कंडीशन? अपने हेल्थ कम है इसकी, थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा देता हूँ मैं इसकी, क्योंकि काफी कम हेल्थ पे जी रहा है ये अभी। सबसे अच्छी चीज की ये बैजोसोरस अपने पे वापिस अटैक नहीं करता है एग्रो होके, बस इसके जो मेंटा होते हैं ना यही अपने पे अटैक करते हैं, बाकी कोई भी अटैक नहीं करता अपने पे। तो एक बार मैं 4000 की हेल्थ कर दूं अपने इसकी सालकों की, ताकि ये थोड़ा सा सेफ हो जाए।
अभी हाइट काफी कम है इसकी। मेले डैमेज तो ठीक है इसका, कम नहीं है, ज़्यादा काम चल जाएगा मेले डैमेज है तो, बट हेल्थ मेरे को इसकी करनी पड़ेगी 10,000 की, तो जल्द से जल्द, क्योंकि 10,000 की हेल्थ होने के बाद जो डाइनो होता है ना थोड़ा सा सेफ रेंज में आ जाता है, ये थोड़ी सी सेफ्टी हो जाती है उसकी कि फाइट में हल्का फुल्का डैमेज वो कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उससे उसको, क्योंकि ज़्यादा कम हेल्थ हो तो यही रहता है कि पता नहीं कब मरेगा ये। हो जाएगी आई थिंक 4,000 की हेल्थ हो गई, 4,000 हेल्थ, एंड अभी चलते हैं वापस पानी में। 13 बना दिए मैंने, आई होप 13 से काम हो जाए अपना, एक भी मिस नहीं होने देंगे अपन। एंड मैं एक चीज़ भूल गया कि ये पहनना था अपने को स्कूबा सेट। थोड़ा सा पीछे जाएंगे एंड इनको भी अभी बताते हैं। कहाँ पे जाएगा बच के, अभी एक तो ये इतने पता नहीं क्या, इतने फ्लेक्सिबल कैसे है, बिल्कुल घूम जाते हैं ये, देखो आधी हेल्थ तो यही खा जाते हैं अपनी। तो मेरे को पहले इनको मेंटा को मारना पड़ेगा, मेरे को पता है ये बाद में दिक्कत देंगे अपने को, ठीक है। एंड अब देखते हैं, लग जाते हैं अपने काम पे। दो तीन, तीन हो गए हैं, तीन हो गए अपने, एंड ये चार, पांच, छः, सात, सात हो गए हैं, एंड देखते हैं कितने लगते अपने को, आठ, नौ, 10, 10 अनकॉन्शियस है ये, तो मैं इसकी इन्वेंट्री में कैसे डालूं, क्या हैंड फीड करना पड़ता है क्या इसको, ऐसे टेम नहीं होता है क्या, ये पैसिवली टेम होता है क्या, ये मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है ये पैसिवली टेम होता है, हैंड फीड नहीं होता ये, आई मीन हैंड फीड से होता है ये, वैसे ट्वेंक से नहीं होता ये भाई। अब फिर से वेट करना पड़ेगा क्या, इसकी इन्वेंट्री का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। रुको मैं एक बार चेक करता हूँ इसको कैसे क्या टेम करते हैं, तो वाइज मैंने चेक किया, जैसे कि मैं सोच ही रहा था ये नो बिना उसके अनकॉन्शियस किए होता है, पैसिवली टेम करना पड़ता है इसको, एंड अब मेरे को इसका वेट करना पड़ेगा कभी अनकॉन्शियस से हटे। एंड मैं थोड़ी सी और कीबल बना के ले आता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ी सी अपने को ज़्यादा कीबल लगेगी फिर इसके ऊपर, तो कीबल बना लेते हैं अपन, एंड कोई नहीं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इसको ट्वेंग कैवे को बनाना,
बाकी एक बार मैं थोड़ी सी कीबोर्ड बना लेता हूँ, क्योंकि अपने को ज़्यादा कीबोर्ड लगेगी, दो कीबोर्ड से काम नहीं बनेगा अपना। तो आई थिंक 4 से 5 कीबोर्ड तो लगी जाएगी, क्योंकि पैसिविटी टेम करने में 3 से 4 बार में टेम होता है। एंड ये कार्नोटो क्या कर रहा है इधर ड्यूड? थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है गीगा का जो रेंज है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मेरे को। जब गीगा का रेंज कम हो जाएगा ना, आई मीन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं आएंगे इधर। अभी मैं काम करता हूँ, पहले थोड़ी सी केबल बना देते हैं अपन, एक्सेप्शनल केबल। एक्सेप्शनल केबल बनाने के लिए अपने को फोकल चीज लगता है मेन चीज़ जो है, एंड फोकल चीज मेरे को बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि फोकल चीज है नहीं अपने पे। या एक बार मैं देखता हूँ है कि नहीं, देखता हूँ एक मिनट रुको। फोकल चीज में भी हो सकता है अपने पे, ये क्या है? नहीं, ये एंड्यूरो शू पर नहीं है, फोकल चीज नहीं है अपने पे, तो बनाना पड़ेगा अपने को फोकल चीज। एंड ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, कीबल वगैरह, ये अपने कुकर में बनती है, तो फोकल चीज बनाने के लिए अपने को कुकड़ मीट लगता है। कुकड़ मीट आ गया अपने पे, एंड सिट्रोनल लगता है, सिट्रोनल है अपने पे जितना मेरे को याद है, ये वह सिट्रोनल ही सिट्रोनल है अपने पे, बाकी उधर से ले जाएंगे अपने। एंड गैसोलीन चाहिए अपने को उसको कुकर को चलाने के लिए, एंड बाकी बेरीज लगती है इसमें, मैजो बेरीज लगती है, टिंटो बेरीज लगती है, और अमर बेरीज लगती है, और अजू बेरीज लगती है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, 4 टाइप की बैरी होती है ना, वो सभी लगती है। ये भी लगेगी अपने को, टिंटो भी लगेगी, अमर भी लगेगी। एंड टिंटो हो गया कंप्लीट, मैजो हो गया, अमर हो गया, एंड एक और लगती है। टोटल 4 टाइप मैजो बैरी रह गई अपनी, ये हो गई मैजो बैरी। तो ये चीज़ें लगती है अपनी, इससे बनता फोकल चीज। दिखा देता हूँ मैं आपको, एंड एक वाटर स्किन लगता है, बट अपना तो ये कुकर है, तो इसमें पानी का कनेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है अपन ने, तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं अपने को, इसमें बस सीधा आइटम डालना अपने को अपना, एंड ये हो जाएगा रेडी। टर्न इट ऑन, इसको रखा भी नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फाइबर होता नहीं अपने को केबल बनाने में लगता है, तो इसे ये मैंने रखा हुआ है इसमें फाइबर। एंड कितने बनेंगे इससे देखता हूँ मैं, कितना बनता है इससे, जितना बन सकता उतना बना देंगे अपन। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और कुकड़ मीट डाल देता हूँ इसके अंदर, एंड क्या चीज़ ख़त्म हो रहा है अपने पे, अजूल बेरी ख़त्म हो रही है अपने पे, तो मैं लेके आता हूँ बेरीज, उठा जाता हूँ जितने बहुत सारी, तो इससे बन जाएंगी अच्छी खासी, क्योंकि अपने को एक्सेप्शनल केबल लगती ही है ज़्यादातर। जैसे मैं इनको अब ब्रीडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें भी एक मांग लेते हैं एक्सेप्शनल केबल, तो मैं ज़्यादा ही बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर फिर से बनाना पड़ेगा वरना मेरे को। एंड अभी बन जाएगा तो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं ब्रूटो को यूज़ कर रहा हूँ बैरी कलेक्ट करने के लिए, एक बार अटैक करो अच्छी खासी बैरी आ जाती है, सबसे बेस्ट लगा मेरे को। एंड थैरिजिनोसोरस भी मैं अभी देखूंगा, मेरे को अभी तक दिखा नहीं है कोई भी हाई लेवल का, मेरे को लग रहा है कि मेरे को फार्मिंग करनी पड़ेगी थैरिजिनोसोरस की, जो जितने भी लो लेवल है सबको मार के फिर जब हाई स्पोन होंगे तो उनको पकड़ना पड़ेगा। हो गया अपना, बन रहा है ये, एंड की वही के ये अपने को क्या लगता है एक्सेप्शन की वही के ये एक्सनरी की वजह की ये लगता है अपने को फोकल चीज आ गया अपने पे, एक आइटम फोकल चीज लगता है जो कि आ गया अपने पे। एंड इसके बाद अपने को लगता है लार्ज जैग, एक्स्ट्रा लार्ज जैग लगता है, जैसे ब्रूंटो का एग हो गया, कीगा का एग हो गया, वैक्स का एग हो गया, तो ये लगता है अपने को। एंड ये क्या आता हूँ मैं, वैक्स का होगा, वैक्स का ले आएंगे, ब्रूंटो का मैं ब्रूंटो का ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग की तो कमी नहीं है अपने पे। ये एग आ गया, इधर एग,
वेट बहुत ज़्यादा है इसका, उसको उठा नहीं सकते, वैक्स का ही लेके चलते हैं। गीगा का एग तो बहुत ज़्यादा वेट है उसमें तो, एंड नॉर्मल वेट भी ज़्यादा ही है अपने पे। एक काम करता हूँ मैं, पहले थोड़ा सा अपना वेट को मैनेज कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही वेट अपने पे तो अपने को ये तो चाहिए नहीं। अब वापस इनको रख देता हूँ मैं, हारपून वगैरह को, क्योंकि इनकी तो अपने को नीड ही नहीं है, बिना हारपून के ही हो जाएगा ये। एंड इसको कपड़ों को रख देते हैं एक बार इसी में ही, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट कम करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, एंड अभी उठाते हैं एग को, चलते हैं अभी एक बार। सही है, अपन ने 500 का वेट कर लिया था, वरना काफ़ी दिक्कत होती अपने को वेट से लेके। मैंने 500 का कर दिया था वेट कंप्लीट, ये हो गया। एग आ गया अपने पे, एंड अपने को चाहिए रेयर मशरूम। रेयर मशरूम है अपने पे आई थिंक सो, जितना मेरे को याद है। खाना है इस पे, खाना थोड़ा ही है, थोड़ा सा खाना ले लेते हैं इससे, खाना आ जाएगा इस पे थोड़ा सा, वरना ये भूख से मर जाएगा जैसे अपना एक गीगा मरा था। वेयर मशरूम, वेयर मशरूम आई थिंक वेयर फ्लोवर था, वेयर मशरूम नहीं था, वेयर फ्लोवर था। ठीक है, तो वेयर फ्लोवर हो गया अपने पे, मेसोबेरी हो गया, एग हो गया, फोकल चीज हो गया, एंड फाइबर हो गया, यही चीज़ें लगती है आई थिंक सो, बाकी देखते हैं। ट्रांसफर आई थिंक बन जाना, हाँ यही चीज़ें लगती है। एक तो अपने को वेयर फ्लोवर लगता है, एग लगता है, फोकल चीज लगता है, मेजो ये लगता है अपने को, मेजो बेबी, इन सब से बन जाता है अपना। एंड देखते हैं कितना बनता है, बन जाएगी कितनी है, अच्छी खासी अपना काम चल जाएगा अभी के लिए, इतनी तो बनी जाएगी। ये आ गई तो बन जाएगा अपना काम, हो जाएगा। ये हो गया, एंड बाकी इसको मैं नहीं निकालूंगा कुछ भी, अभी चलते हैं एक बार वापस, क्योंकि फोकल चीज इसीलिए मैंने जितनी बनवाई थी उतनी बनाई थी। अटक क्यों गए हैं अपन इधर, क्या मेरे को हटानी पड़ेगी क्या ऊपर की वेल्डिंग? ठीक है, वैसे ही अटक गए अपन इधर, मेरे को इधर कुछ देखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कुछ आई थिंक सो। एग को रख देता हूँ, सिट्रोनल को भी वापस, एंड इनको थ्रो कर देते हैं, एंड अब वापस उठा देते हैं अपना आइटम्स, क्योंकि मेरे को जब उसने इन्वेंट्री का ऑप्शन नहीं दिया ना, तभी मेरे को शक तो हुआ था कि आई थिंक ये उससे होता पैसिवली टेम, बट मैं सोचा एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। ये आ गया अपना स्कूबा का, स्कूबा सेट आ गया, अभी चलते हैं पानी में एक बार वापस, इस बार तो टेम ही करेंगे उसको। लेट्स गो भाई, पहले तो मैं इस पे बैठ जाता हूँ, एंड इसका जब मैं हेल्थ में लगाऊंगा अभी तो, क्योंकि इसकी हेल्थ काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी मेरे को। अभी चलते हैं, तो नार्को की भी नीड नहीं है, इसके पास वेट बहुत है, तो वेट कम करो इसका। ठीक है, ये वेट हो गया, एंड मैं काम नार्को जो बाद में रख देंगे, एक बार पानी में चलते हैं पहले उसके पास, बाइसोसोरस के पास, एंड देखते हैं उसको। ये नीचे में जीता बाइसोसोरस, मेंटा तो अपन ने मार दिए थे उसके आसपास के जितने भी थे, वो काम तो अपन ने ठीक किया था, क्योंकि पैसिवली जब अपन टेम करेंगे इसको तो मेंटा जो होते वो अपने को दिक्कत देंगे काफ़ी, तो इसीलिए मैंने मेंटाज को मार दिया था। एंड ये देखो अभी ये फीड करने का ऑप्शन एक से ही हो गया, नाइस, जल्दी हो गया टेम ये तो। एंड एक काम करता हूँ मैं, सार्को पे बैठ के वापस बाहर जाता हूँ, एंड ये अपने पीछे फॉलोइंग पे है, ये फॉलोइंग पे है, नाइस, एक और वाटर डाइनो आ गया। वैसे ही अपन ने इतना टाइम लगाया इसके ऊपर, मेरे को पता पहले पता होता ये पैसिवली टेम होता तो इजी पीजी हो जाता कब का टेम ये,
मेरे को लगा जैसे मेगाडोन को अपन को अनकॉन्शियस करके टेम करना पड़ता है, वैसे ही होता है। चलो ये भी आ गया। अब मेरा जो नेक्स्ट डाइनो में ढूंढ रहा हूँ ना वोटर का टेम करने के लिए, वो अपना है क्या बोलते हैं उसको, मोसासोर ढूंढ रहा हूँ मैं। मोसासोर मिल जाए तो अपने को, क्योंकि मोसासोर भी पानी का बहुत बड़ा डायनासोर है, एंड वो आ गया अपने पे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। इधर है बेसिलियोसोरस, क्या बाहर नहीं आता क्या वो, देखना पड़ेगा मेरे को। पीछे रह गया क्या कहीं पे, आ गया। चलो यू स्टे हियर, स्टे दे देते हैं इसको एंड चलते हैं अभी बाहर एक बार। मैं इसकी सैडल बना देता हूँ एंड देखते हैं इसको राइड करके। टोटल 3 डाइनो आ गए अपने पास पानी के, अब पानी के डाइनो भी पकड़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके। बाकी ये खाई जावज का देखना पड़ेगा मेरे को, ये तो जो जावज का ही अपना बाकी वैसे तो, बट ठीक है जो जावज का हुआ तो क्या हुआ, एक ऐसा डाइनो तो मिल गया अपने को जो शोक से बचा सकता है अपने को। कीबल रख देता हूँ मैं वापस, कीबल का काम हो गया अपना। एंड राइफल इधर आ जाएगी अपनी, और इसको रख देता हूँ मैं वापस, नार्कोटिक को, इसकी नीड ही नहीं पड़ी अपने को। ये आ गई नार्को, एंड इसको इधर रख देते हैं स्कूबा सेट को। ये आ गया स्कूबा सेट अपना, खाना खा लेते हैं थोड़ा सा। एक और था आई थिंक इधर, यप ये रहा, क्योंकि दो थे ना मेरे को याद था, दो थे अपने पे वाटर टैंक, तो इसी ये दूसरा देख रहा था मैं, इसमें रख देते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइज कर देना सामान को अपन तो एक बार, तो उसके बाद कभी कुछ ढूंढना हो तो उसमें दिक्कत नहीं होती कोई भी, इजी पीजी मिल जाता सामान। तो मैं देखता हूँ बेलिसोसोरस की सैडल, स्पेलिंग देखनी पड़ेगी मेरे को एक बार इसकी। बेलिसोसोरस उधर है, देखता हूँ मैं एक बार। बेसिलियोसोरस है, बेसिलियोसोरस, ओके बेसिलियोसोरस। ये रहा इसकी सैलड, अनलॉक नहीं किया मैंने, हो गई अनलॉक सैलड। किसमें बनती है, स्मिथी में बनेगी। बनाते हैं अभी इसकी सैलड एंड देखते हैं कैसी राइड है इसकी। बेसिलियोसोरस एंड उसके ऊपर मैंने एक जो अपना क्वार्टजर की प्लेटफॉर्म सैलड है ना उसके ऊपर मैंने वो लगा दिया कि लार्ज स्टोरेज बॉक्स, क्योंकि जैसे टाइटनो वगैरह टेम करेंगे तो उसमें आइटम रख देंगे अपन, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है फिर वो इन कंपेरिजन टू अपने इन्वेंट्री में सामान रखना। बेसिलियोसोरस क्या चाहिए, फाइबर चाहिए, ठीक है फाइबर है अपने पे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, बहुत फाइबर है अपने पे, फाइबर ही फाइबर है। ये वही बेसिलियोसोरस की सडल, सडल बन गई बेसिलियोसोरस की। देखते हैं कैसी राइड है इसकी। चलते हैं सैटल को अपनी कंट्री में, लेट्स गो भाई। सेकंड डाइनो अपना ही है वोटर का, GGWP बिल्कुल इजी है। बस आपको पता है मेन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इसको टेम करने के लिए, कि जो इसके साइड के मेंटा होते हैं ना उनको मार दो, एंड इसके आसपास जितने भी मेगाडोन्स हैं उनको मार दो। जब आप इसको टेम करते तो अपने को डैमेज वगैरह नहीं देता। ए थिक ब्लॉब ऑफ रिंक्यू कैन बी फाइंड इन टू फ्यूज ऑयल, ऑयल भी देता है ये, नाइस। हेल्थ में डालूंगा मैं इसके पॉइंट भी, एंड गामा ऑन कर देते हैं एक बार। ये क्या दे रहा है ये, इसने किस चीज़ का इफेक्ट दिया इसने, इंसुलेशन इंक्रीज बोथ हाइपोथर्मिक एंड हाइपोथर्मिक इंसुलेशन। अच्छा, ये अपने को इंसुलेशन दे रहा है, नाइस। ठंड नहीं लगेगी इसके ऊपर अपने को, मस्त है ये तो। क्या फूड पे होता है क्या इसका टोली, इसका नहीं फूड पे नहीं पड़ता, आई थिंक ये पैसिवली ही देता अपने को, नाइस मस्त है ये तो।
इस पे बैठने के बाद तो अपने को इंसुलेशन मिल जाएगी, सर्दी गर्मी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस अपने को वाटर टैंक का ही देखना पड़ेगा। ये आ गया इधर अपना बैसिलियोसॉरस, एंड इसको आई थिंक कोई डाइन, कोई दूसरा जो डाइन है वो डैमेज भी नहीं देता, बट इसकी प्रोटेक्शन के लिए शार्की को खड़ा कर देते हैं इधर। शार्की अपना गार्ड है इधर, इसका मैं डाल देता हूँ हेल्थ में ही पॉइंट। थोड़ा सा खाना ले लेते हैं इससे, ये आ गया खाना, एंड इधर ही रहेंगे ये दोनों, प्रोटेक्शन करेगा शार्की इसकी, पैसिजोसोरस की। एंड ये ओली देता अपने को, ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को, इससे भी आप ओली कलेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब अगर आपको ओली कलेक्ट करना है तो बैसिलियोसॉरस, एंड इसको टेम करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जो इसके आसपास मेंटा होते ना उनको थोड़ा सा टैकल करना इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड वो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी उसके बाद आपको एक्सेप्शनल इक्विप्ड बनानी है, एंड ईजी पीजी टेम हो जाएगा ये, कोई तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अपने को। एंड ये रख देता हूँ मैं ओली, ये ओली आ गया अपना, एथिक ब्लॉब ऑफ ऑयली इंक, ये ऑयली इंक है, ये अनरिफाइंड ऑयल है, एंड ये ऑयली इंक है, बट ऑयल ही है ये, एंड इसका डिकम्पोज टाइम है, ओके यानी ये नॉर्मल वाला जो इसने प्रोड्यूस किया बाय प्रोडक्ट टाइप में है कुछ इसका। ठीक है चलो, तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।